नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरें कटनी से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान, सिख दंगों में सज्जन जेल में, जगदीश पर चार्जशीट, अब कमलनाथ की बारी। भारत के अंदर ऐसा घटनाक्रम जो पूरे भारत को झकझोर कर देता है। 1984 के सिख दंगों में एक नहीं हजार लोगों के हत्या, जिस प्रकार से हजारों लोगों पर आक्रमण किए गए थे, कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसका जो कमीशन बना था, उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की इंक्वायरी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने दंगों को भड़काया था, वह सज्जन कुमार जेल के अंदर है। भारत के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम जो पूरे भारत को झकझोर देता है कि 84 के सिख दंगों में एक नहीं हजारों लोगों की निरसन हत्याएं, जिस प्रकार से हजारों लोगों पर आक्रमण किए गए थे, कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसका जो एक कमीशन बना था, उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की इंक्वायरी में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने इन दंगों को भड़काया था, वो सज्जन कुमार जेल के अंदर हैं। दूसरे श्रीमान जगदीश टाइटलर, जो लोग नेता कम गुंडिज्म की भूमिका में ज्यादा इस देश के अंदर रहे, सीबीआई ने कल उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है। जल्दी ही जेल के सीक्षों में होंगे।